अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम महनूर, होप सो यू ऑल स्टूडेंट्स विल बी डूइंग ग्रेट। ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जो है मैक्सिमम ऑफ यू हैव जॉइंड द ट्यूटरिक, बट स्टिल जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपने कैसे ज्वाइन करना है, तो बेटा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। स्टार्टिंग में आपने जो है विजिट करनी है वेबसाइट www.tutriq.com, राइट। उसके ऊपर जाकर आपने बेटा साइन अप करना है और आपने जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है ऑफ द क्लास इन विच यू आर स्टडिंग। अगर आप FSC के स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। देर आर 4 ग्रुप्स फॉर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स, आप उनको बेटा ज्वाइन करें। वंस यू विल ज्वाइन द ग्रुप्स तो उसमें आपको स्केड्यूल जो है वो मिल जाएगा फॉर योर रेलिवेंट क्लासेस, तो आप उन रेलेवेंट क्लासेस के ऊपर अपनी क्लासेस लें और ये जो फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म है इससे आप मैक्सिमम बेटा फायदा उठाएं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप जो है इसको प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में भी, ताकि वो भी बेटा इस फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है और उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं उनको बता देती हूँ। बेटा आई एम मिसबा अशरफ एंड आई हैव ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। I will be taking biology classes for those students who are going to appear in these Cambridge exams for 2022 session, right? हमने crash course start किया हुआ है जिसमें we have planned कि हम इसमें बेटा quickly syllabus को revise करें, और revise करने के बाद जो है हमारी कोशिश है कि हम past papers की जो है practice करें, राइट। पास्ट पेपर सेशन हमने एंड पे करना है, बट जैसे ही हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है तो हम इसके साथ साथ जो है कुछ पास्ट पेपर्स जो है सेशन भी कर लेता है, राइट। लास्ट क्लास में हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था और आज जो है हमने कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया है। आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसमें पहले हम देख लेते हैं। अच्छा इसमें जो है बेटा बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंसिटिविटी, राइट। जो सेंसिटिविटी है दैट्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द स्टिमुलस, और लास्ट क्लास में हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा था व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस बेटा इट्स द एनी इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन आवर बॉडी, ठीक है। ये इनसाइड द बॉडी भी कोई कंडीशन हो सकती है दैट कैन प्रोड्यूस अ चेंज, और ये आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है दैट कैन प्रोड्यूस सम चेंजेस इन आवर बॉडी। जिस तरह हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर आउटसाइड इज हॉट और कोल्ड दैट विल प्रोड्यूस सम चेंजेस इन आवर बॉडी, तो एक्सटर्नल भी कंडीशन हो सकती है। इसी तरह ये जो है बेटा स्टिमुलस ये हमारी बॉडी में इंटरनल कंडीशन भी हो सकती है। इंटरनल में अगर ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये हमने वो एग्जाम्पल्स है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, एंड दोज हु हैव टेकन द क्लासेस, ठीक है, दोज हु आर टेकिंग रेगुलर क्लासेस उनको आइडिया होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा यहाँ पर डिस्कस किया था ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन दैट इज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ब्लड, ठीक है, अगर वो जो है फ्लक्चुएट करती है तो दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम चेंजेस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। अच्छा अब स्टिमुलस जो है इसके अलावा कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं, एयर इज ऑल्सो स्टिमुलस, ठीक है, इस तरह वाटर जो है दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस, सॉयल इज ऑल्सो स्टिमुलस। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फॉर प्लांट्स टाइप ऑफ द सॉयल ऑल्सो, टाइप ऑफ द सॉयल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तो सॉयल जो है इसकी टाइप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पीएच ऑफ द सॉयल, ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ द सॉयल एंड डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा जो है टेम्परेचर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल्सो स्टिमुलस, टच स्टिमुलस हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इसके अलावा और भी जो है काफी कंडीशन हो सकती है दैट कैन प्रोड्यूस और प्रोवोक अ चेंज इन द बॉडी, ठीक है। अच्छा
अब जो है हम आते हैं कोऑर्डिनेशन की तरफ. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? दैट्स द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, टू कनेक्ट टू वन एंड अदर एंड फंक्शन इन अ बेटर वे. तो जिस तरह हमने देखा है कि हमारी बॉडी का बेटा एक सिस्टम जो है वो एट अ टाइम वर्क नहीं कर रहा होता. डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड और कनेक्टेड विद वन अनदर, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन से जो है ओवरऑल एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, राइट, और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है. कि नर्वस कोऑर्डिनेशन है दैट इज ब्रॉट अबाउट द नर्वस सिस्टम, और ये हमने स्टडी करना है आज डिटेल में, राइट. और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बेटा दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, चले आप जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो बेटा मुझे बताएं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है देर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड अदर इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट. तो आपने मुझे बताना है कि उन इन दोनों में से विच कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, राइट. चले आप इसमें बेटा मुझे बताएं विच कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है या केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है? यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स. अच्छा चले, प्लांट्स में जो बेटा कोऑर्डिनेशन होती है दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन बिकॉज दे लैक नर्वस सिस्टम, ठीक है. उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, राइट. अच्छा चले, अब हम आगे चलते हैं. जो बेटा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, दिस नर्वस सिस्टम दिस इज डिवाइडेड फर्दर इंटू टू सिस्टम. एक जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम CNS से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है दे आर इंक्लूडेड. सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम होता है दैट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ऑल न्यूरॉन्स आर कलेक्टिवली मेकिंग अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और इसमें फर्दर जो है कौन कौन सी नर्व्स हैं? इसमें क्रेनियल नर्व्स हैं. क्रेनियल नर्व्स जो है, क्रेनियल इज फॉर ब्रेन, ठीक है. ब्रेन में कुछ नर्व्स मैसेज लेकर जा रही होंगी और ब्रेन से कुछ नर्व्स जो है वो मैसेज वापस लेकर आ रही होंगी. तो ऑल दीज नर्व्स आर नोन एज द क्रेनियल नर्व्स. इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज लेकर जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज लेकर आती हैं, दीज आर नोन एज द स्पाइनल नर्व्स, राइट. इसके अलावा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू द जो नर्व्स सेंस ऑर्गन्स तक मैसेज लेकर जा रही हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें बेटा जितने भी नर्व्स हैं बॉडी की दे आर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है दे आर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. चले अब हम आगे चलते हैं. अच्छा सेंस ऑर्गन्स जो है दैट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, सेल भी हो सकता है, ठीक है बेटा, ऑर्गन भी हो सकता है, दैट विल रिसीव और डिटेक्ट अ स्टिमुलस. जैसे आप देखिए हमने लास्ट जो था हमने स्ट्रेसेस में स्ट्रक्चर ऑफ स्किन किया था, तो उसमें हमने देखा था स्किन के अंदर हमें क्या नजर आए थे. स्किन के अंदर देयर वर सम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट, प्रेशर के भी थे, टच के भी थे, राइट, और इसके अलावा जो था पेन के भी थे. तो वो जो रिसेप्टर्स थे दे वर डिटेक्टेड बाय द नर्व एंडिंग्स. तो उस केस में नर्व एंडिंग्स जो थे दे क्या थे? दे वर द सेंसरी नर्व एंडिंग्स थे विच वर सेंसिंग और डिटेक्टिंग द स्टिमुलस. वंस द स्टिमुलस इज डिटेक्टेड देन दैट इज सेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एन अदर न्यूरॉन विच इज नोन एज द इफेक्टर न्यूरॉन, ठीक है. अच्छा वो हम नीचे देखते हैं, उससे पहले हम डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स देख लेते हैं. अच्छा जो बेटा नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, नर्व इम्पल्स किस फॉर्म में होती है? दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स. कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और केमिकल्स जो है दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द इम्पल्सेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर. तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो यहाँ पर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भी हम कह सकते हैं.
अच्छा, इसके अलावा और टर्म्स भी हम देखते हैं, कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किनको कहा जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है दीज आर बेटा कोऑर्डिनेटर्स, जहां तक मैसेज जाएगा और ये कोऑर्डिनेट करेंगे विद अदर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी और फिर सेंड करेंगे सिग्नल टू दैट अप्रोप्रिएट पार्ट जिसमें जो है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, ये भी जस्ट सिंपल है, हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो देन इट विल बी मोर क्लियर। अच्छा, एक और टर्म है इफेक्टर। इफेक्टर बेटा वो बॉडी पार्ट होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, उनको हम इफेक्टर्स बोलते हैं और ये ज्यादातर हमारी बॉडी के क्या होते हैं, ये मसल्स होते हैं। अच्छा, आपसे जो है बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इफेक्टर्स, ठीक है, वन इज द मसल और जो दूसरा इफेक्टर है, दूसरा इफेक्टर आप लिख रहे हैं दैट कैन बी द ग्लैंड। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें 1 मार्क विल बी फॉर द मसल और सेकेंड मार्क विल बी फॉर द ग्लैंड। 2 आपने लिखने हैं, इफेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मसल्स दैट्स अंडरस्टूड। इसके अलावा जो ग्लैंड है, ग्लैंड भी बेटा क्या हो सकता है, ग्लैंड कैन ऑल्सो बी द इफेक्टर। फॉर 2 मार्क्स आपने 2 लाजमी मेंशन करने हैं, मसल्स और ग्लैंड। अच्छा, ये टोटली डिफरेंट है, आप मसल लिख के आगे बाइसेप ट्राइसेप मत लिख दीजिए, ठीक है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो मसल, तो उस केस में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ग्लैंड इज डिफरेंट, मसल इज डिफरेंट, तो आप 2 मेंशन करें। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है बेटा, ये जो ग्लैंड्स या मसल जो भी एक्शन प्रोड्यूस करेंगे दैट्स नोन एज द रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है, ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है फॉर कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब जो है नर्वस हम टिश्यू में आते हैं, टिश्यूज आपको पता है दे आर द मिक्सचर ऑफ द सेल्स, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, ठीक है, या हम इनको बेटा न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल जो है दीज आर द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम विच विल कंबाइन एंड फॉर्म द नर्वस टिश्यू। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हम देखते हैं जो यहाँ पर यूज होंगे। इसमें जो है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आप देखें, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन को हम रिसेप्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं। अच्छा, अब सेंसरी नाम से पता चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन ने क्या करना है, इसने बेटा सेंस करना है, ठीक है, सेंस करने के बाद इसने मैसेज लेकर जाना है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गेन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, दे विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेटा आपने मैसेज नहीं लिखना मार्क्स स्कीम में, ठीक है, बच्चे जो है हम उनको एक्सप्लेन करते वक्त हम कह देते हैं कि बेटा इट विल टेक मैसेज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द बॉडी टू दिस पार्ट, बट वाइल राइटिंग प्लीज बेटा, ठीक है, ओमिट राइटिंग मैसेज, आपने मैसेज नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, इम्पल्सिस लिखना है, बिकॉज इम्पल्सिस इज द करेक्ट वर्ड। अच्छा, सेंसरी रिसेप्टर्स विल ट्रांसमिट इम्पल्सिस, ये कहां से लेकर जाएंगी, ये बेटा सेंस ऑर्गेन्स राइट या रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाएंगी, कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अभी हमने पीछे देखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, राइट। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है ये आपने आइडेंटिफाई करनी होती है समटाइम्स, सेंसरी न्यूरॉन और रिसेप्टर न्यूरॉन, आप इन दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज चला गया है, दीज आर नोन एज द कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स जो है देर आर चांसेस कि बेटा ब्रेन की जो है एक पार्ट तक मैसेज गया है एंड दैट मैसेज हैज टू एक्चुअली सेंड टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, हो सकता है कि वो जो स्टिमुलस है, ठीक है, वो ब्रेन के राइट साइड पर पहुंचा है और दैट हैज टू बी सेंड टू द लेफ्ट साइड, मे बी सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड से आए, तो उसमें क्या होगा, मैसेज हैज टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द अदर पार्ट, ठीक है, या इट हैज टू सेंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज आना है या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक आना है या ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है, इफ द मैसेज हैज टू ट्रेवल बिटवीन द कोऑर्डिनेटर्स तो दैट विल ट्रेवल बाय रिले न्यूरॉन्स, या इनको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ऑल द न्यूरॉन्स हैज 2 नेम्स, तो हमें दोनों नाम ही पता होने चाहिए, ठीक है, रिले न्यूरॉन दैट विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स कि अगर मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आना है
ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाना है या ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है, तो दैट विल बी सेंड बाय इम्पल्सेस जिनको हम क्या बोलते हैं, विच आर नोन एज द रेले न्यूरॉन्स। अच्छा, इसके अलावा बेटा आप मोटर न्यूरॉन्स देखिए। मोटर जो है ये क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन से, अब एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज जाना है जिसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, राइट। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स अगेन हमने पीछे देखा है ये क्या हो सकते हैं, दे कैन बी द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ग्लैंड्स भी हो सकते हैं या ये मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स और मसल्स विच विल प्रोड्यूस एनी रिएक्शन जिसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू बेटा? चले ठीक है, ये जनरल सी टर्म्स थी, स्टार्टिंग में हमने कर लिए थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स विच आर द सेंसरी मोटर रिले न्यूरॉन्स, ठीक है, या इनको हम रिसेप्टर न्यूरॉन्स, इफेक्टर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं, राइट। और स्टार्टिंग में ये हमने जस्ट टर्म्स की हैं कुछ, सेंस ऑर्गन्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी थी कोऑर्डिनेशन की। अब जो है बेटा हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम आते हैं न्यूरॉन की तरफ, अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करना है। अच्छा, ये जो आपको न्यूरॉन दिखाई हुई है दिस इज द मोटर न्यूरॉन या इसको हम इफेक्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा है न्यूरॉन कैन हैव टू नेम्स, तो दिस इज द मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन। अच्छा, अब न्यूरॉन का बेटा स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द जनरलाइज्ड सेल, ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में भी क्या होता है बेटा, एक जनरल सेल बनता है, देन दैट सेल इज स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म। तो जो जनरल सेल है दैट इज स्पेशलाइज्ड इन दिस फॉर्म टू फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। न्यूरॉन जो है इसमें बेटा ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिसमें लाई करता है, दिस पार्ट इज नोन एज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी में क्या चीज प्रेजेंट होगी, इट विल हैव द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये जो पिंकिश पार्ट है, ठीक है, दिस वन दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी जो है वो इसके अंदर ही होता है, दैट इज द डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर एंड आउटर वॉल इज द सेल सर्फेस मेम्ब्रेन। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, कुछ एक्सटेंशन होती हैं विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, कुछ जो है एक्सटेंशन इस पर साइड पे मैसेज ले आएंगे टुवर्ड्स सेल बॉडी, और इसी तरह क्या होती है, देर आर ऑल्सो सम ऑफ द एक्सटेंशन विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आप ये देखें, ठीक है, दे आर कैरिंग मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अच्छा, वो एक्सटेंशन या हम इनको, ठीक है, फाइबर्स भी बोलते हैं विच ट्रांसमिट इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर नोन एज द डेंड्रोन, दीज आर नोन एज डेंड्रोन्स, राइट। चले मैं यहां पर आपको बता देती हूँ, जो ये वाला है दिस पार्ट, लेट मी, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सटेंशन या साइड पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट आ रही है बेटा, दिस इज द डेंड्रॉन, इट फर्दर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर फाइबर्स विच आर नोन एज द डेंड्राइट्स, ठीक है, ये स्मॉलर जो है दीज आर द डेंड्राइट्स, और जो ये जनरल आ रही है दिस वन, दिस इज नोन एज द डेंड्रॉन, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट होगी, फर्स्ट एक्सटेंशन होगी, दैट्स द डेंड्रॉन एंड दैट इज डिवाइडेड फर्दर इंटू स्मॉलर फाइबर्स और ब्रांचेस जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स में क्या करना है बेटा, डेंड्राइट्स विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अच्छा, ये क्या करेगा, इट विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये आप देखेंगे जो मैंने एरो लगाया है, इफ द मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द सेल बॉडी, इस साइड पर मैसेज आना है तो इट विल बी carried by the extensions which are known as the dendrites, ये जो है ये message लेकर आएंगे towards cell body। अच्छा, अब cell body से जो है message away भी transmit होना है towards effectors या other neurons,
दैट इज कैरिड अगेन बाय एक्सटेंशन, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज एक्सॉन्स. एक्सॉन्स क्या है, ये एक्सटेंशन है विच कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक है, ये जो है दिस वन, लेट मी लेबल इट एज हाईलाइट इज आर ग्रीन, ये वाला, ये जो है बेटा, दिस होल इज द एक्सॉन विच इज ट्रांसमिटिंग इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. टुवर्ड्स सेल बॉडी कौन लेकर आ रहा है, दिस इज द डेंड्राइट्स, ये वाले जो स्मॉलर एक्सटेंशन हैं, दीज आर कैरिंग इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है, अच्छा ये जो बेटा ओके दिस हो गया एक्सॉन. आप देखें जो एक्सॉन है, एक्सॉन इज कवर्ड बाय अच्छा एक्सॉन देखें बेटा, दिस इज द ये सेल बॉडी है. ठीक है, दिस इज द एक्सॉन. अच्छा ये एक्सॉन जो है बेटा, दिस एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ फैटी लेयर. ये जो लेयर है, दिस इज द फैटी लेयर. फैटी मीन्स इट्स मेड अप ऑफ फैट, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द माइलिन शीट. अच्छा एक तो ये किसकी बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ फैट. फैट के अलावा इसमें क्या है, दिस इज फैट की बनी हुई है. फैट के अलावा दिस इज इंसुलेटर. इंसुलेटर मीन्स, ठीक है ये इंसुलेटर है. इंसुलेटर यहाँ पर क्या होगा, इन टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंसुलेटर मीन्स इट कैन नॉट कंडक्ट इम्पल्सेस. इट कैन नॉट ट्रांसमिट इम्पल्सेस. ठीक है, ये जो माइलिन शीट है, अच्छा और एज दिस इज द शीट, तो ये क्या होगी, इट विल बी प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट कर रही होगी. एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ माइलिन शीट. माइलिन शीट इज फैटी इन नेचर. दिस इज इंसुलेटर. इंसुलेटर मींस इट कैन नॉट कंडक्ट इम्पल्सेस. अच्छा माइलिन शीट के ऊपर बेटा क्या होता है, इट इज फर्दर कवर्ड बाय एन अदर शीट. ठीक है, जो मैंने ब्लू ड्रॉ की है, दिस इज द माइलिन शीट. माइलिन शीट इज फर्दर कवर्ड बाय एन अदर शीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द न्यूरिलेमा. इसको हम ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं. चले ऐसे ही कर लेते हैं. दिस इज द न्यूरिलेमा. ग्रीन वन इज अच्छा ये लेयर या ये थिन मेम्ब्रेन है. ठीक है, दिस इज द थिन मेम्ब्रेन. न्यूरिलेमा क्या करेगी, न्यूरिलेमा जो है बेटा, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. राइट, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू नर्व सेल्स. ठीक है, आप देखिए नर्व सेल जो है, दे आर लिविंग, दे हैव टू कंडक्ट इम्पल्सेस. तो इनको बेटा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए. राइट, इनको ऑक्सीजन भी चाहिए. दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस लेयर विच इज द न्यूरिलेमा. एंड दैट इज प्रेजेंट किसके बाद है, दिस इज प्रेजेंट आफ्टर माइलिन शीट, ये जो ब्लू है. अच्छा यहाँ पर बेटा कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर ये माइलिन शीट जो है दैट इज एबसेंट. ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर मैंने थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके ड्रॉ किया है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स जहां पर इन साइड मैंने ड्रॉ किया है, यहां पर बेटा जो माइलिन शीट होती है दैट इज एब्सेंट. ठीक है, इस येलो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट होती है. ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज पॉइंट्स आर नोन एज द नोड्स ऑफ रणवीर.
नोड्स ऑफ रणवीर, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर बेटा माइलिन शीथ इज एब्सेंट। माइलिन शीथ एब्सेंट है, इसका मतलब है कि ये जो नोड्स ऑफ रणवीर हैं, दे आर और दे कैन कंडक्ट कंडक्ट इम्पल्सेस। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या चीज एब्सेंट है, माइलिन शीथ इज एब्सेंट विच इज द इंसुलेटर, तो यहां से जो है इम्पल्स जंप कर सकती है, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज देखें बेटा, यहाँ पर क्या है, इन नोड्स के ऊपर ही न्यूरी लीमा जो है ये सिंक होती है एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन। ये जो ग्रीन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये ग्रीन, ये नोड्स की जगह पर सिंक होकर अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है, माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो माइलिन शीथ एब्सेंट होने की भी वजह से ये बेटा सिंक होती है एंड इट कम्स इन कनेक्शन विद द न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन ने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो वो कैसे लेगी, इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरिलिमा, ठीक है। ओवरऑल तो आप देखिए ना, इट इज कवर्ड, इसके अंदर क्या है, इट इज आउटर टू द माइलिन शीथ, तो इट्स नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन्स। तो ये कैसे फाइबर एक्सोन जो है वो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा, जो नोड्स है नोड्स के ऊपर न्यूरिलिमा सिंक होता है इनसाइड, ठीक है, अंदर जाता है एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फाइबर्स, तो एक्सोन जो है दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस न्यूरिलिमा एट दिस पॉइंट, जहां पर ये नोड्स वाली जगह पर सिंक होकर अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमने ये नोड्स ऑफ रणवीर भी पढ़ लिए हैं, क्या है ये वो पॉइंट है, एक तो कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, नो एक्सोन्स के ऊपर, दूसरा ये वो पॉइंट है जहां पर क्या चीज एब्सेंट है, जहां पर माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये बेटा कंप्लीट हो गया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम में यू कैन ओनली सी द माइलिन शीट इज फर्दर कवर्ड बाय द न्यूरिलिमा, राइट, और नोड्स ऑफ रणवीर क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर माइलिन शीट इज एब्सेंट। अच्छा, अब एंड पर क्या होता है, एंड पर जो है बेटा इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द इफेक्टर्स, इफेक्टर जो है वो हमारी बॉडी का कोई मसल भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी का कोई ग्लैंड भी हो सकता है जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो एंड पर ये क्या बनाते हैं, देयर आर द फाइबर्स एक्सोन्स के ही होते हैं विच कम इन कॉन्टैक्ट विद द इफेक्टर मसल्स और वहां पर ये फॉर्म द मोटर एंड प्लेट, एंड प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद द, इसके साथ ये अटैच होती है, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन हमने कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब चले, इसने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। अच्छा, एक और कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अभी बेटा हमने देखा है डायग्राम में हमने देखा है कि नोड्स ऑफ रणवीर वो पॉइंट्स हैं जहां पर क्या एब्सेंट है, जहां पर जो है माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बेटा जो इम्पल्स होती है वो जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड, और इसका फायदा क्या होता है, दैट टाइप ऑफ इम्पल्स इज नोन एज द सॉल्टेटरी इम्पल्स, और इसकी वजह से स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज इंक्रीज्ड। जब आप देखें क्विकली जंप करेगी नोड से, एक नोड से, ठीक है, क्विकली एक नोड से जंप करेगी दूसरे नोड तक, ठीक है, फिर देन अनदर नोड अनदर नोड अनदर नोड, तो इससे क्या होगा, जो इम्पल्स है दैट इज ट्रांसमिटेड वेरी क्विकली, और इससे स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपने मैसेज का वर्ड नहीं लिखना, इम्पल्सिस का लिखना है, ठीक है, मैं बार बार बेटा आपको बता रही हूँ, इम्पल्सिस लिखना है। अच्छा, सिनैप्स क्या होता है, दैट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब आप देखें कि जैसे एक न्यूरॉन तो बेटा पूरी बॉडी में मैसेज नहीं लेकर जाएगी ना, आप देखें कि ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अगर ये मोटर एंड प्लेट नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, और इफेक्टर भी नहीं होता, यहाँ पर कोई दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है, देयर इज अनदर न्यूरॉन, और मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना है, तो देयर आर सम गैप प्रेजेंट, जहां पे थोड़ी सी स्पेस जो होती है उसको हम साइनाप्स बोलते हैं। अब साइनाप्स में से दूसरी साइनाप दूसरे सेल बॉडी तक मैसेज कैसे जाएगा, ये जो बेटा एक्सोन्स होंगे इसके एंड पर जो आप देखें, ठीक है, एक्सोन्स के एंड पर सम ऑफ द केमिकल्स आर रिलीज्ड, यहाँ पे केमिकल रिलीज होंगे साइनाप्स में, गैप को हम साइनाप्स बोलते हैं, देयर विल बी पिक्चर ऑफ द साइनाप्स समवेयर, वहां से हम देखते हैं। हाँ जी, ये देखें,
अच्छा ये देखिए बेटा, ठीक है, ये जो है क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये वाली जो है दिस पार्ट, दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, ये जो आपको शो किया हुआ है सारा, दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, और ये जो है आप देखेंगे एक न्यूरॉन है। अच्छा ये जो है आप देखिए, नर्व इम्पल्स, दिस एरो शोज द नर्व इम्पल्स। अब मैसेज यहाँ से आ रहा है, देन इट विल कम एट द एंड ऑफ दिस न्यूरॉन, एंड पर आएगा, तो इसमें आपको कुछ वेजिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर जो वेजिकल्स हैं, दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल्स, वेजिकल्स हैव द मॉलिक्यूल्स, और ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं। जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ तक आएगी, तो न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स वेजिकल्स विल रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ये जो अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे कहाँ पर, साइनाप्स में। ये साइनाप्टिक गैप आपको नजर आ रहे हैं सेंटर में, दिस ग्रीन वन इज द गैप। अच्छा जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होकर आएगी कहां तक, वेजिकल्स तक, वेजिकल्स विल रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ये देखें, ठीक है, इट विल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, वेजिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूरोन, फर्स्ट न्यूरोन। अच्छा ये फ्यूज होकर क्या करेंगे, दे विल रिलीज देयर वेजिकल्स विच आर द केमिकल्स, कहां पर, साइनाप्स में या ये गैप में, इस गैप को साइनाप्स बोलते हैं, यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होंगे। अब ये जो केमिकल्स हैं बेटा, ये देखें, व्हेन दे विल कम इन कॉन्टैक्ट या व्हेन दे विल टच द अदर मेम्ब्रेन, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर ये जो टच हो रहा है, यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, दीज आर द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के साथ जब ये केमिकल सिग्नल टच होंगे, दूसरी न्यूरोन है ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मैसेज दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा, इसी तरह जब दूसरे न्यूरॉन के एंड तक मैसेज जाएगा, तो ये क्या करेगा, एंड पर जो मैसेज होगा, एंड पर अगेन दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेजिकल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल्स, वो अगेन जो है बेटा रिलीज करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, वो फिर रिलीज होंगे इंटू साइनाप्टिक गैप, एंड देन दे विल बी डिफ्यूज इंटू द नेक्स्ट न्यूरोन, ठीक है। इस तरह जो है मैसेज ट्रांसमिट होता है सिनैप्स, इतना ही सफिशिएंट है फॉर योर सिलेबस, ज्यादा डिटेल इससे नहीं है, तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। चले हम वापस आते हैं, यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू मेरा बेटा यहां तक, चले ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, सिनैप्स भी मैंने आपको बता दिया है, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आपने समटाइम्स आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। तो मोटर, ये जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर किया है, दिस इज ऑफ द मोटर न्यूरॉन, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पढ़ी है, ठीक है बेटा। दिस इज द मोटर न्यूरॉन, या हम इसको इफेक्टिव न्यूरॉन भी बोलते हैं। आप इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे बेटा इसकी जो सेल बॉडी है वो एक साइड पर है, ठीक है, और एक साइड पर जो मोटर एंड प्लेट या ये एक्सोन है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा दूसरी जो है ये वाली, कोई बच्चा बताएगा मुझे ये वाली कौन सी न्यूरॉन है, ये आप न्यूरॉन देखें, इसमें आप देखें बेटा इसकी सेल बॉडी सेंटर में है, ठीक है, आप देखें इस सेंटर में सेल बॉडी आ रही है, आप इस पिक्चर में देखें इसकी एक साइड पर सेल बॉडी है, ठीक है। अच्छा ये वाली जो है, दिस इज द, थोड़ा सा आइडिया ले लें, अगर आपको ये आई हुई है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये बेटा कौन सी न्यूरॉन है, आपने आइडेंटिफाई करना हो। अच्छा यहां से भी आपको आइडिया मिल रहा है, ये देखें हिंट मिल रहा है ना यहां से, यस यहां से चले आप आइडेंटिफाई करके आप मुझे बताएं टेक्स्ट मैसेज में, आप बेटा चैट में मुझे बता दें। अच्छा आप ये देखें कि दिस इज कैरिंग मैसेज, ये कहां से लेके जा रही है। अच्छा ये जो है बेटा, दिस इज बेसिकली द सेंसरी न्यूरॉन, ये देखें रिसेप्टर से मैसेज लेकर जा रही है, एरो भी आप देखें, एरो भी शो कर रहे हैं, मैसेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर्स टू, कहां जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। सो दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इसमें बेटा सेल बॉडी जो है वो आपको सेंटर में मिलेगी, और साइड पर जो है दीज आर द एक्सॉन्स, बाकी हमने सारा स्ट्रक्चर डिटेल में कर लिया है। चले एक और भी हमारे पास न्यूरॉन होती है, विच इज द रेले न्यूरॉन, और रेले न्यूरॉन को दूसरा नाम दिया, दैट इज द इंटर न्यूरॉन,
अच्छा, विच ट्रांसमिट्स इम्पल्सिस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। चले अब इसको आप आइडेंटिफाई करें। ये देखें जो बेटा रिले न्यूरॉन है, विच ट्रांसमिट इम्पल्सिस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इस तरह की होती है। ठीक है, दिस इज द इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। इसमें आप देखें सेल बॉडी है, इसके डेंड्राइट्स आप देखें, ठीक है, और इसका आप एक्सॉन देखें, दिस इज वेरी शॉर्ट एक्सॉन, इसका छोटा एक्सॉन है, राइट। दीज आर द साइनेप्टिक एंडिंग्स, जहां पर वेजिकल्स होंगे विच विल फ्यूज विद द अदर न्यूरॉन। ठीक हो गया, चले थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। यहां से आप देखें हमने ये भी स्ट्रक्चर भी कर लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने देखनी है बेटा, जो न्यूरॉन होता है इट हैज टू पार्ट्स। इसमें एक ग्रे मैटर होता है, ठीक है, ग्रे हम इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अपेयरेंस, दिस इज डार्कर इन कलर। और दूसरा जो है इसमें व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, ये भी व्हाइट कलर की वजह से इसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। ग्रे में बेटा क्या चीज प्रेजेंट होती है, जो ये हमने न्यूरॉन अभी स्ट्रक्चर हमने इसका देखा है, जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी हैज न्यूक्लियस। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा है सेल बॉडी में क्या चीज प्रेजेंट है, इट हैज द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की वजह से बेटा इट हैज द ग्रे कलर, राइट, और जो एक्सॉन्स हैं दे मेक द व्हाइट मैटर। डायग्राम से आपको बेटा बताती हूँ मैं, चले ये जो बेटा सेल बॉडीज जो है दे विल मेक द ग्रे मैटर। ठीक है, ये ग्रे मैटर अच्छा सेल बॉडी ग्रे मैटर बनाएंगी, और ये जो नीचे बेटा एक्सॉन्स हैं ये वाले, ठीक है, दे विल फॉर्म द व्हाइट मैटर। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस आए, कंपैरिजन आए बिटवीन द ग्रे एंड व्हाइट मैटर, तो व्हाइट कंटेन्स या एक्सॉन्स मेकअप द व्हाइट मैटर एंड सेल बॉडी मेक्स द ग्रे मैटर। मैंने आपको इसका कलर भी बता दिया है, दिस इज ग्रे बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रे होता है। अच्छा, दूसरी आप इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो बेटा ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर ब्रेन का आप देखें, जो सेंट्रल पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का दैट्स ग्रे मैटर, और जो आउटर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का दैट्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ग्रे मैटर, और ब्रेन का जो आउटर पार्ट है दैट्स द ग्रे मैटर। अभी हम देखते हैं, ठीक है, और ग्रे मैटर जो है ये बेटा इम्पल्सिस कंडक्ट करता है। दूसरा आप देखें व्हाइट मैटर जो है ये ऑपोजिट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ग्रे, आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट्स बेटा व्हाइट मैटर। आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेडअप ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर पार्ट और सेंट्रल पार्ट इज मेडअप ऑफ व्हाइट मैटर। ये हो गया व्हाइट और ग्रे जो है वो हमें यहां से पता चलेगा। अच्छा, इसके बाद हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर करना है, और ब्रेन में अच्छा इसमें हम ये देख लेते हैं बेटा, हमारी बॉडी में ओवरऑल जो एक्शंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, एक वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और एक इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस बेटा वो होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। अभी आप देखें कि अगर आप अपने लेग को मूव करें तो इट्स इन योर विल, आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वो एक्शंस होते हैं विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जिसमें स्नीजिंग है, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ठीक है, या समटाइम्स आपने नोट किया होगा विदड्रॉल ऑफ हैंड व्हाइल वी टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, वेरी हॉट, ठीक है, तब जो है क्या होता है आपका हाथ ऑटोमेटिकली इट्स पुल्ड अवे, तो दैट्स ऑल्सो इनवॉलेंट्री, हमें पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली, ठीक है, टच होती है कोई गर्म चीज और हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है, तो दोज एक्शंस आर इनवॉलेंट्री विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। वॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बेटा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। चले यहां तक बेटा कोई इश्यू आप लोगों को? चले हम ब्रेन करते हैं, और ब्रेन के बाद जो है दैट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ये दो हमने स्ट्रक्चर्स करने हैं ब्रेन।
ब्रेन जो है बेटा, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अच्छा, इसके कौन कौन से थ्री पार्ट होते हैं? इसमें बेटा एक फोर ब्रेन होता है, ठीक है, एक मिड होता है, और एक जो है दैट इज द हाइंड ब्रेन। अच्छा, फोर में क्या चीज आती है? इसमें सेरिब्रम आता है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, दूसरा जो है इसमें हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस भी आता है, और हाइपोथैलेमस की बैक साइड पर ही इसके साथ ही पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज करनी है, ये चीज होगी, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। मिड में हम देखते हैं, मिड में जो है, ठीक है, दैट इज बिटवीन द, बिटवीन दीज टू पार्ट्स, मिड ब्रेन इज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन करता क्या है? ये बेटा दोनों को कनेक्ट करता है। इफ मैसेज इज कमिंग फ्रॉम फोर ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाना है या हाइंड ब्रेन तक जाना है, तो इट विल पास फ्रॉम द मिड ब्रेन, सो दैट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। और इसके अंदर, इसके साथ साथ क्या होती है, इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स नाम से पता चल रहा है, ऑप्टिक लोब्स क्या करेंगी, इट हैज सम ऑफ द ऑप्टिक लोब्स। अच्छा, इसमें यू विल फाइंड आउट सम ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स क्या करेंगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल विच आर रिलेटेड टू योर आईसाइट, ठीक है। अच्छा, हाइंड ब्रेन के हम पार्ट देखते हैं। हाइंड ब्रेन में जो है देयर आर, इसमें देयर इज सेरिबेलम। अच्छा, ये बेटा देखिए, दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज सेरिबेलम, दीज आर टू डिफरेंट पार्ट्स। और नीचे आप देखें, दूसरा जो है इसके साथ, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये इसका डिवीजन है एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। फोर मिड, मिड हमने कर लिया, फोर जो है इसमें मैं आपको बताती हूँ। चले, इसमें आप बैठे देखें, सेरिब्रम, ये देखिए, ये जो आउटर पार्ट है ब्रेन का, दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। जो फ्रंट पर फोर फर्स्ट पार्ट है, इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला आप देखें मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला, और ये सेरिबेलम, ये वाले जो दो पार्ट है, ये वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द सेरिबेलम। लेट्स टेक अनदर हाईलाइटर, ये वाला, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द सेरिबेलम, और आप ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, दिस इज द मेड्यूला। सो दीज टू आर इंक्लूडेड इन द हाइंड ब्रेन, जो नीचे आता है, इनके बीच में दिस इज द, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये जो सेरिबेलम से ऊपर आ रहा है, विच आई हैव हाईलाइटेड एज स्काई ब्लू ब्लू, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इनके बीच में है मिड ब्रेन। अच्छा, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, दिस इज द फोर ब्रेन, और इसमें जो है सेरिब्रम आप देखें, हाइपोथैलेमस देखें, हाइपोथैलेमस के साथ ये वाला ग्रीन पार्ट देखें, ये जो ग्रीन है, ठीक है, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके साथ ही ये अटैच होता है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, सेरिब्रम आप देखें बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट है। कैन यू सी फोल्डिंग्स हियर, इसके अंदर ये जो आपको बेटा फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है, फोल्डिंग्स क्या करेंगी, फोल्डिंग्स विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। किस चीज के लिए करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ, दे विल इंक्रीज सरफेस एरिया। अच्छा, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये फोल्डिंग्स। जो सेरिब्रम होता है बेटा, इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू हाफ, टू हाफ में होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर।
दिस इज द मिरर इमेज. तो इस केस में हमारे पास दिस विल बी द राइट हेमिस्फीयर एंड दिस विल बी द लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो पार्ट्स में. अच्छा, अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन आप देखें. इसका जो बेटा काम है दैट इज द इंटेलिजेंस, मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है, और मेमोरी के अलावा लर्निंग जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस सेरिबेलम. सेरिबेलम ने क्या करना है, इसने बेटा मेमोरी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन. मेमोरी, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम. सेरिब्रम, दिस पार्ट विल कंट्रोल मेमोरी फॉर्मेशन, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस. अच्छा, इसमें बेटा जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होंगी इट विल हैव मोर सरफेस एरिया. इसके अलावा ये बेटा क्या करता है, इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वोलेंट्री एक्शंस. वोलेंट्री एक्शंस वो हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल. वोलेंट्री एक्शंस एंड मेमरी, लर्निंग और जो इंटेलिजेंस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम विच इज द दिस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. अच्छा, यहाँ पर आपको बेटा मैंने बताया है कि इट हैज द फोल्डिंग्स एंड फोल्डिंग्स इंक्रीज द सर्फेस एरिया. ज्यादा सर्फेस एरिया का क्या फायदा होगा, जिनका सर्फेस एरिया ज्यादा होगा दे विल हैव मोर मेमरी फॉर्मेशन, ठीक है, लर्निंग एंड दे विल बी मोर इंटेलिजेंट. ये हो गया. अच्छा, इसके बाद दूसरा आप देखें हाइपोथैलेमस. दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाया हुआ है. अच्छा, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज द मास्टर ग्लैंड, राइट, मास्टर ग्लैंड है. और काफी जो ग्लैंड्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको हम आगे हॉर्मोन में डिटेल में देखेंगे. और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या करता है, काफी हॉर्मोन्स बनाता है डायरेक्ट, जैसे ADH. ADH is the anti-diuretic hormone. This is anti-diuretic hormone. और ये hormone क्या करता है? It is responsible for reabsorption of water from kidney nephron. ठीक है, ये हमने last homeostasis में भी किया है और इसको हमने excretion में भी किया है. So that ADH is produced by this hypothalamus, this part. This is produced by the pituitary gland. Pituitary gland के ऊपर आप देखें hypothalamus है. Let's write the function of the hypothalamus at this side. अच्छा, hypothalamus बेटा क्या करता है, ये control करता है ये जो है हाइपोथैलेमस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑस्मोटिक के अलावा ये एपिटाइट को, भूख जो आपको लगती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस. और इसके अलावा जो है ये बेटा स्लीप को भी कंट्रोल करता है. स्लीप के साथ साथ ये कुछ हमारी बॉडी के इमोशंस को भी कंट्रोल करता है. अच्छा, आपने जो है क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन की ये हाइपोथैलेमस है. इसका आपको एक नंबर मिलता है. और नीचे जो है बेटा आपने ये फंक्शंस यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू राइट डाउन. अगर ये 4 मार्क्स का है तो 1 विल बी फॉर द नेम ऑफ द पार्ट, और जो बाकी होंगे 4 जो है वो आपको 3 जो है लाजमी यहाँ से इनके फंक्शंस चाहिए. सो दिस कंट्रोल्स द टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एपिटाइट, स्लीप एंड इमोशन. ये वाले जो है फंक्शन दीज आर परफॉर्म्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नीचे आ जाते हैं. मिड ब्रेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, दैट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. लास्ट आप देखें जो बेटा हाइंड ब्रेन है इसमें मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला के साथ सेरिबेलम है. दिस इज बेलम एंड दिस इज द सेरिब्रम, दीज आर टू डिफरेंट पार्ट्स. अच्छा, और ये जो बेटा सेरिबेलम है ये क्या करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड द बॉडी बैलेंस. ये हमें लर्न करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन
मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और इसके साथ साथ प्लस बॉडी बैलेंस जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, सॉरी, ठीक है। अच्छा लास्ट जो है दैट्स द मेड्यूला, मेड्यूला बेटा कहां पर प्रेजेंट होता है? अच्छा सेरिब्रम जो है इसकी लोकेशन आप देखें दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के आप देखें पीछे है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पर जो ये फोल्डिंग्स हैं दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर देयर फंक्शन। और मेड्यूला आप देखें, मेड्यूला जो है बेटा इट्स एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर है, या हम कह देते हैं पिट्यूटरी के आप जब नीचे आते हैं, या दिस पार्ट इज नोन एज द ब्रेन स्टेम, जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पार्ट आता है दैट्स द ब्रेन स्टेम, उसमें मेड्यूला भी होता है और ये वाला जो पार्ट है दीज आर द दिस इज द पोन्स, पोन्स और मेड्यूला कलेक्टिवली ये क्या करते हैं दे फॉर्म द ब्रेन स्टेम, ठीक है। अच्छा मेड्यूला बेटा क्या कंट्रोल करता है? मेड्यूला दैट्स इंपॉर्टेंट, ये हमारी बॉडी के इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग है, स्नीजिंग है, ठीक है, इनवोलेंट्री आप इसमें मेंशन कर दें, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, पेरिस्टेल्सिस है या डायलेशन ऑफ वेसो कंस्ट्रिक्शन है, वेसो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला, यहाँ हम लिख लेते हैं मेड्यूला। अच्छा इसको मेड्यूला ओब्लॉन्ग गेटा कहते हैं, इसका फुल नेम है, इट कंट्रोल्स योर इनवोलेंट्री एक्शंस, इनवोलेंट्री में जैसे ब्रीदिंग, ठीक है, पल्स रेट, ठीक है, इसमें आ जाएगा ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट के अलावा वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये जो है इनवोलेंट्री एक्शन, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला, दिस पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बेटा हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड रह गया है और रिफ्लेक्स एक्शन भी है, ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई इश्यू आपको, कोई प्रॉब्लम, आपने आज का जो लेक्चर है इसमें लर्निंग है, आपने इसको लर्न करना है ताकि जब हम पास्ट पेपर सेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें आसानी हो, और इसमें अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है इसके अलावा तो यू कैन आस्क मी टुमारो, ठीक है। और अगर हम पास्ट पेपर सेशन करते हैं कल, ठीक है, तो आप उसमें भी बेटा प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लाइव सेशन, जो जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, नाइमा, रोमेसा, मीरब, वाओ मीरब, ठीक है, अब्दुल वहाब, थैंक यू बेटा फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लाइव सेशन, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ, कोई प्रॉब्लम बेटा लेट मी नो थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स। चलें बेटा हम एंड करते हैं क्लास को, चलें, थैंक यू मीरब, थैंक यू, I'm going to sign out now, beta. Allah Hafiz.